सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस तो देखिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हम लोग एक्सरसाइज थर्टीन बी कर रहे थे उसका ये क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है सर देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्यों सर हर बार यही बोलते हैं क्योंकि सीबीएसई टू थाउजेंड सिक्सटीन में आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है आप बोलिएगा सर हर वीडियो मतलब आया हुआ ही क्वेश्चन बना रहे हैं सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और ये थर्टीन बी जो एक्सरसाइज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है अगर बिना हिंट देखे बिना वीडियोज देखे आप पूरा एक्सरसाइज बना देते हैं अपने से मतलब इतना अगर आप में दम है इफ यू हैव दट गर्ट्स

ठीक है, रूट टू टेन थीटा ठीक है सर हाँ सर ठीक है ना इतना समझ में आया बिल्कुल आया अब देखिए क्या समझ में आया सर रूट मतलब जो गिवन था वही उतारे अब देखिए आपको क्या चाहिए sec थीटा प्लस टेन थीटा आपको इसको प्लस में कन्वर्ट करना है सर जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो या फिर हाँ, बस ऐसे क्वेश्चन हो कि माइनस में दिया हो प्लस में कन्वर्ट करना हो तो क्या कर दीजिएगा आप स्क्वायर कर दीजिएगा स्क्वायर करने से क्या होगा सर देखिए ये क्या हो जाएगा मान लीजिए इधर हम स्क्वायर करते हैं होल का ठीक है इस पूरे का होल का स्क्वायर मतलब स्क्वायर स्क्वायर नहीं हो जाएगा पूरे का स्क्वायर होता है सर ठीक है हाँ अब देखिए क्या हो जाएगा ये ये क्या है ए है ये माइनस है ये बी है ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाला टर्म आया ना सर आपको प्लस में ही तो चाहिए ना टर्म बस ऐसे सोचना है ठीक है तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दे इधर हम स्क्वायर करेंगे तो हमको इधर भी तो स्क्वायर कर देना पड़ेगा सर दोनों साइड ना स्क्वायर करेंगे तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स अब आप लोग बोलिएगा सर दोनों साइड क्यों किए सर जिधर से हमको काम था उधर ही करते बस नहीं सर करना पड़ेगा दोनों साइड नहीं तो ब्लेंडर ऑफ मैथ्स हो जाएगा सर देखिए ये क्या है sec 10 यानी कि a b तो क्या हो जाएगा a² b² टू से माइनस टू ए बी ठीक है हाँ सर ठीक है समझ में आ रहा है दिख रहा है ना हाँ अब देखिए यहाँ क्या है ये ये इस इस पे भी है, ये इस पे भी भी है है तो इस पे जो स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा ये तो सिंपली टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा लेकिन दिक्कत कहां है यहाँ है सर रूट टू का स्क्वायर स्क्वायर और रूट टू कट गया क्या बच गया अरे भैया यहाँ तो टू बच गया है ना अब आप एक चीज देखिएगा क्या चीज देखिएगा सर कि यहां पे भी टेन स्क्वायर थीटा यहां पे भी टेन थीटा अगर हम इसको इधर लाके इसमें माइनस कर दे तो कुछ ना कुछ तो निकल आएगा सर बिल्कुल निकल आएगा देखिए कैसे कि हमारे पास क्या है कि स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये टी लिख रहे हैं सर ठीक है प्लस मत मान लीजिएगा इसको भी ये क्या है इधर प्लस में इधर आके माइनस में माइनस टू टेन

ए का ए हो गया ठीक है लेकिन बड़े के पास क्या है माइनस तो माइनस वन ए यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो बस समझाए वो लिखना नहीं है ठीक है हाँ ये क्या है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू तो टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा ठीक है इतना समझ में आया बिल्कुल आ रहा होगा अब देखिए अब मैंने स्क्वायर क्यों करने बोला था वो तो ऐसे इनिशियल रीजन था अब देखिए फाइनल रीजन क्या निकल के आया? कि बी स्क्वायर क्या होता है क्या होता है हा सर होता है ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी समझ में आया अब देखिए यही तो चाहिए हमको यही तो प्रूफ करना है ना sec theta plus tan theta sec theta plus tan theta आ चुका है देखिए ना स्क्वायर क्यों किए थे 2 tan theta into sec theta ठीक है बिल्कुल सही बिल्कुल अब देखिए ये क्या है ये जैसे का तैसा लिखा जाएगा क्योंकि यही तो हमको चाहिए sec theta plus tan theta into में क्या है sec minus tan theta sec theta minus tan theta का वैल्यू क्या दिया है सर गिवन है रूट टू टेन थीटा इन में है है ना 2 tan theta into sec सॉरी oh sec theta sin लिख रहे थे अब देखिए अब क्या है सर अब तो क्वेश्चन आपका बन चुका है कैसे बन चुका है सर कैसे आप बोल देते हैं तुरंत देखिए सर ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में इधर वाले को ही सॉल्व करते हैं इधर वाला आप लिख लीजिएगा tan theta into sec theta √2 tan theta देखिए सर ये मल्टीप्लाई में था ना इधर ये देखिए a into b था मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए माइनस बी का फॉर्मूला रखे, तो रखे थे अब ये मल्टीप्लाई में, में टू तो आ गया यहाँ तो रूट टू है तो रूट टू नीचे भी तो है इसके लिए एक चीज समझते हैं समझ लेते हैं सर देखिए क्योंकि किसी किसी को दिक्कत हो जाएगा ना सर आप लोग ब्रिलियंट है मुझे पता है लेकिन किसी मेरे ऐसा जो स्टूडेंट होगा उसको दिक्कत हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा रूट टू इंटू रूट टू होता है रूट टू का स्क्वायर होता है रूट टू का स्क्वायर क्या होता है सर स्क्वायर और रूट टू कट गया क्या बचा क्या बचा टू बचा ना सर तो टू को क्या लिख सकते हैं टू को लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू तो टू को हम लिख सकते हैं क्या रूट टू इंटू रूट टू एक रूट टू एक रूट टू कैंसिल हो गया रूट टू इंटू सेक थीटा तो रूट टू सेक थीटा हमारा बचा और यही तो हमको प्रूफ करना था इधर तो ये खत्म हो गया यही ना बचा सर डायरेक्ट लिखते हैं यहां पर ठीक है थीटा प्लस टेन इक्वल टू तो रूट टू तो थीटा हैंस प्रूव सर ये देखिए सर ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन था बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया इससे आसान वे नहीं है सर इसको इसको बनाने का है दो तीन वे है बनाने का लेकिन इससे आसान वे नहीं है चलिए यह था ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन चलते हैं आगे